What do you think are your team's chances in the cup? We're here to win. To win the World Cup? What else we here for? फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में
में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर शेन वॉन और भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज़्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में ग्रोधियों की वजह से हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहाँ से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहाँ उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर शेन वॉन और भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज़्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में ग्रोधियों की वजह से हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने
खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुत्तैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको ये कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में विरोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेट अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुत्तैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुत्तैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको ये कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में विरोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही
तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानू जरूर नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है, हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही, मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे, उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती, तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है, इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला, और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रासंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में गृहोद्योग की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानू जरूर नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है, हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही, मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे, उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती, तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है, इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है। इन सब भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में विरोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती, तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है, इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है। इन सब भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में विरोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजरुद्दीन,
प्रवीणता में जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है, इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको ये कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में विरोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे। उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेट अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको ये कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में
का अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसे प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर शेन वॉन और भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज़्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में ग्रोधियों की वजह से हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है, इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर शेन वॉन और भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज़्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में ग्रोधियों की वजह से हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने
खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुत्तैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको ये कहकर रोक दिया था कि जब तक आईसीसी उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर शेन वॉन और भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में गृहोद्योग की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुत्तैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुत्तैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको ये कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर शेन वॉन और भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में गृहोद्योग की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन
रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानू जरूर नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है, हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही, मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती, तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है, इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शैन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में विरोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानू जरूर नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है, हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही, मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती, तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत आखिरी टेस्ट से होती है, इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर शेन वॉन और भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में विरोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती, तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत आखिरी टेस्ट से होती है, इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर शेन वॉन और भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में विरोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन,
प्रवीणता में जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है, इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वह मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में गृहोद्योग की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे। उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में
ऑस्ट्रेलिया अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर शेन वॉन और भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज़्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में ग्रोधियों की वजह से हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको ये कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहाँ से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहाँ उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर शेन वॉन और भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में ग्रोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने
खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुत्तैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको ये कहकर रोक दिया था कि जब तक आईसीसी उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में गृहोद्योग की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे। उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेट अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुत्तैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुत्तैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको ये कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में गृहोद्योग की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे। उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही
तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है, हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही, मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे, उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है, इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में गृहोद्योग की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है, हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही, मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे, उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है, इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में विरोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेट अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती, तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है, इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में विरोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेट अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन,
प्रवीणता में जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है, इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में विरोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे। उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेट अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजरुद्दीन, प्रवीणता में जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में
श्रृंखला अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज़्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में ग्रोधियों की वजह से हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंका क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में ग्रोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंका क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने
खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैर कानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुत्तैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको ये कहकर रोक दिया था कि जब तक आईसीसी उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रासंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में गृहोद्योग की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे। उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेट अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुत्तैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैर कानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुत्तैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको ये कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रासंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में गृहोद्योग की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे। उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही
रस्मी तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंका क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती, तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में गृहोद्योग की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे। उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती, तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है, इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहाँ से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहाँ उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रासंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में विरोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेट अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती, तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है, इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहाँ से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहाँ उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रासंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में विरोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेट अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन,
प्रवीणता में जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है, इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही, मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे, उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है, इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रासंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में गुरुद्योग की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेट अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही, मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे, उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है, इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में
का अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शैन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज़्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में ग्रो उद्योग की वजह से हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शैन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में ग्रो उद्योग की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने
खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के तमाम गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको ये कहकर रोक दिया था कि जब तक आईसीसी उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रासंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में गृहोद्योग की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे। उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेट अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के तमाम गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको ये कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रासंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में गृहोद्योग की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे। उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही
सही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंका के क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है, हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही, मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे, उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है, इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शैन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में विरोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है, हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है, तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही, मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे, उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान
सेलिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहाँ से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहाँ उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में विरोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती, तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहाँ से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहाँ उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में विरोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन,
प्रवीणता में जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रासंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में गृहोद्योग की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे। उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेट अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजहरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे। उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जातीय हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौरे के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में
में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर शेन वॉन और भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज़्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में ग्रोद्योग की वजह से हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुथैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको यह कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पष्ट नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहाँ से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहाँ उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत में अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर शेन वॉन और भारतीय क्रिकेटर कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज़्यादा फोकस नायक पर ही होता है, ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में ग्रोद्योग की वजह से हालात काफ़ी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही, उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। 800 फिल्म देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इसे फ्री में। हिंदी सिनेमा में MS धोनी, अजरुद्दीन, प्रवीण तांबे जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन संघर्ष को उनकी बायोपिक फिल्मों में दर्शाया गया है। इस क्रम में अब श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 वर्ल्ड कप के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। साल 1919 में अपनी शुरुआत के बाद से मुरलीधरन ने टेस्ट मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2010 में उन्होंने टेस्ट मैच को अलविदा कर दिया था। मुरली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1347 विकेट दर्ज है। हालांकि क्रिकेट की राह मुरली के लिए आसान नहीं रही। मैदान में गेंदबाजी को लेकर उनके एक्शन पर कई बार सवाल उठे। उनकी नागरिकता भी उनके पहचान के आड़े आती थी। दरअसल मुरली के पूर्वज भारत से जाकर श्रीलंका बस गए थे, उन्हें वहाँ की नागरिकता मिलने में बहुत समय लगा था। ऐसे में मैदान के बाहर एक सवाल उनके सामने
खड़ा रहा कि वह श्रीलंकाई है या तमिल। वही मैदान पर वह सोचते थे कि उन्हें अच्छे गेंदबाज के तौर पर देखा जाता है या चकर। चकर यानी गैरकानूनी गेंदबाजी एक्शन। दरअसल दुनिया के महान गेंदबाज में शुमार मुत्तैया मुरलीधरन को ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी से रोका गया था। उन पर आरोप था कि उनका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं है। मैदानी अंपायर ने उनको ये कहकर रोक दिया था कि जब तक ICC उनके बॉलिंग एक्शन को स्पर्श नहीं करती तब तक वे गेंदबाजी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म को लेकर तमिलनाडु में विरोध भी हुआ था। मुरलीधरन पर श्रीलंकाओं में गुरु युद्ध के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के खिलाफ सरकार के समर्थन में बयान देने का आरोप है। ऐसे में कई सवालों के जवाब फिल्म में देने की कोशिश हुई है। फिल्म की शुरुआत या आखिरी टेस्ट से होती है। इसके साथ ही उनके जीवन की परतें खुलना शुरू होती है कि बचपन में क्रिकेट के प्रति उनका कैसा प्रेम था। वहां से श्रीलंका में जीत जाती है हिंसा भड़कने के बाद उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजा गया जहां उनकी खेल की प्रतिभा को फादर ने बढ़ावा दिया। फिर स्कूल और कॉलेज स्तर पर उनकी ख्याति, इंग्लैंड में उनकी पहली श्रृंखला की निराशा, टीम में उनकी शानदार वापसी, विश्व कप जीत, चेकिंग विवाद, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए राजदूत के रूप में उनकी भूमिका, पाकिस्तान दौर के दौरान श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकवादियों द्वारा हमला और अंत अपने अंतिम मैच में 800 टेस्ट विकेट के मील के पत्थर तक पहुंचना जैसा प्रसंगों को फिल्म में शामिल किया गया है। फिल्म में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट शेन वॉन और भारतीय क्रिकेट कपिल देव का भी थोड़ा जिक्र है। इसमें इमोशनल की कमी को नजर कमजोर बनाती है। माँ बेटे के संबंधों को भी समुचित तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। बायोपिक में ज्यादा फोकस नायक पर ही होता है। ऐसे में बाकी जुड़े लोग हाशिए पर चले जाते हैं। 800 भी उससे अछूती नहीं है। श्रीलंका में विरोधियों की वजह से हालात काफी बिगड़े हुए थे, उसकी वजह से जनजीवन पर हुए प्रभाव को फिल्म सतही तौर पर दिखाती है। यहाँ पर श्रीलंकाई क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा के साथ उनके संबंधों को दर्शाया गया है, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ उनके संबंध पर कोई बातचीत नहीं है। टीम में इकलौते तमिल होने को लेकर साथियों की उनके प्रति सोच क्या रही उस पर निर्देशक लेखन ने जानना जरूरी नहीं समझा। ड्रेसिंग रूम का माहौल कहानी में एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके एक्शन पर उठे सवाल और लेकर मुरलीधरन द्वारा खुद को साबित करने की लड़ाई को विस्तार से दिखाया गया है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इसे OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर रिलीज कर दी गई है। तो आप इसे जियो सिनेमा पर फ्री में देख सकते हैं, वह भी फ्री में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के।